हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिससे प्रेसिडेंट साहब अपना विचार रखेंगे और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे उसके अध्यक्ष है म्यूजिक बंद करना सारे लोग पीछे आप सभी प्रेस के साथियों का मैं वेलकम करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के जम्मू ऑफिस में। आपका शुक्रिया कि आप जल्दी हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज जो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया जम्मू कश्मीर के जो 370 हमारे सरकार ने बीजेपी सरकार ने हटाया था और उस पर जो पिटीशन चल रही थी उस पर जो डिसीजन आया आज जो फैसला हुआ मैं ये कहूंगा कि पंडित नेहरू जी पटेल साहब हमारे जो दूसरे यूनियन मिनिस्टर्स थे उस वक्त उनकी तरफ से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वार टाइम में दिया गया था मैं ये कहूंगा कि हम फख्र से कहते हैं कि 370 कांग्रेस की तरफ से दिया गया था और बीजेपी की एक लॉन्ग स्ट्रेटजी रही कि इसको हटाया जाए। अब जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने हटा दिया लेकिन एक चीज का हमें दुख है जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि हमारे हमारी लैंड जो है वो सेफ रहे और हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन का मिले वो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे एक लंबी स्ट्रगल जो है लड़ते रहेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का जॉब नौकरियां और जमीन जो यहाँ की है वो प्रोटेक्ट रहे। हमें यकीन है और उम्मीद है कि आगे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हमारी पूरी प्रयास होगा कि जॉब और जमीन की जो है प्रोटेक्शन वो रहे। इसके बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि यहाँ पे जो 10वां साल चढ़ गया इलेक्शन नहीं हुए थे और अभी तो छोटे छोटे इलेक्शन जो हमारी स्टेट में होते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिए। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले ऑल पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था जिसमें एक मेरी लंबी चौड़ी स्पीच भी रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को यहां सस्पेंड नहीं कर सकते हो आप डेमोक्रेसी को यहां सस्पेंड नहीं कर सकते हो इमिजिएटली यहां इलेक्शन किया जाए और सितंबर तक डेट भी दी गई कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो। उस डिसीजन का हम वेलकम करते हैं लेकिन जो लोग हमारे उस प्रोटेस्ट को जो हमने पिछले सालों से किया यहां इलेक्शन हो यहां डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए जो उसका मजाक उड़ा रहे थे उनको आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा जवाब मिल गया। तीसरा जहां तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का ताल्लुक है हमारी पार्टी चाहती है और हमारी स्ट्रगल भी रहेगी कि असेंबली इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इलेक्शन से पहले इमीडिएटली पहले स्टेट को रेस्टोर करे उसके बाद इलेक्शन में जाए ये हमारी डिमांड है। तो इसी के साथ और भी जो इश्यूज उभर के आए हैं उन पे जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है जैसे हमने CWC में एक क्लियर स्टैंड लिया था कि हमारा क्या स्टैंड है कांग्रेस क्या चाहती है कांग्रेस
ने कहा था कि ये अनडेमोक्रेटिक जो है डिसीजन लिया गया है, उसको कुछ लोगों को पूछने के बगैर, लोकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेने के बगैर, तो उसमें जो है हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी बाकी ब्रीफ करेंगे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा है और फर्दर क्या स्टैंड हमारा रहेगा। थैंक यू। देखिए प्रेसिडेंट साहब ने आपको बता दिया कि एक बहुत बड़ी स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि नॉन होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इन जम्मू कश्मीर वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड अनडेमोक्रेटिक। ये बहुत करारा जवाब है उन तमाम चीजों का कि इतने साल से, 5.5 साल से जहाँ चुनाव नहीं हुए, 370 के खत्म करने से भी 4.5 साल से ज्यादा हो गया और जहाँ चुनाव नहीं हो रहे थे, वो एक रात की बात है कि उन्होंने माना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और अनडेमोक्रेटिक था, ये होल्ड किया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत करारा जवाब है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट उनकी जजमेंट है इस मामले में। और ये भी कहा कि जल्दी इलेक्शन हो, लेटेस्ट वाइज 30 सितंबर 2024। दूसरी बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ एश्योरेंस दी है, लोअर ऑफ द हाउस पे भी ये कहा गया था कि अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट है, लेकिन 4.5 साल से वो स्टेट हमको वापस नहीं मिली। हम सड़कों से लड़ते रहे दो मुद्दों को लेकर, क्योंकि आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट के मामले पेंडिंग थे और हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी लीगैलिटी को वो तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया, तो जो सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम फैसला देंगे उस पर देखेंगे। लेकिन स्टेट हुड रेस्टोरेशन, स्टेट को तोड़ना ही उस वक्त तो हम गैर जरूरी समझते थे, स्टेट को तोड़ा गया, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया कि ऐतिहासिक रियासत के दौरान स्टेट को तोड़ना, और उन्होंने हाउस में एश्योर किया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये एश्योर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा है कि उन्होंने ये एश्योर किया है, और हम ये चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि अर्ली रेस्टोरेशन होनी चाहिए। हम इसके लिए स्ट्रगल भी करेंगे और हम ये डिमांड करते हैं कि अब स्टेट हुड को फौरी तौर पर रिस्टोर किया जाए विदाउट एनी फर्दर डिले, और हर हालत में, हर सूरत में असेंबली पोल से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी स्टेट दी जाए। दूसरी बात जो हमने कहा है कि हम कमिटेड हैं कि लोगों की भावना और लोग आते हैं कि हमारी लैंड और जॉब के जो प्रोटेक्शन थी वो खत्म हो गई, जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी उस वक्त ये वादा किया था। हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रेजिडेंस का राइट टू लैंड और जॉब जो है वो प्रोटेक्ट थे। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी ये कहा था कि 6 अगस्त 2019 को जो स्टैंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रहा वो मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। हमने ये कहा था कि ये अनडेमोक्रेटिक तरीका है और उसमें यूनिलैटरली गवर्नमेंट ने ये किया था। डेमोक्रेसी में उन्होंने लिखा था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि आर्टिकल 370 वाज कंसीव्ड एंड क्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, असिस्टेड बाय एन गोपालास्वामी अय्यंगार एंड वी पी मेनन। आर्टिकल 370 इज द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। इट डिजर्व टू बी ऑनर्ड एंड वाज अमेंडेड आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए इसमें डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो है हमने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी लीगैलिटी वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हमने कहा था, लेकिन जो तरीकाकार अडाप्ट हुआ वो अनडेमोक्रेटिक था। और आज लोग आठ हैं कि हमें सीट नहीं मिली, यहाँ इलेक्शन नहीं हो रही और यहाँ के लैंड और राइट जॉब के जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन नहीं रही। इसलिए इन मुद्दों के लिए हमने पहले भी हमारा रेजोल्यूशन है और हमारे 3 रेजोल्यूशन थे कि इमीडिएटली आपने जो किया वो करनी था, लेकिन इलेक्शन तो कराओ। लेकिन 4.5 साल से गवर्नमेंट इलेक्शन से भाग रही थी, अब म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे, इसलिए डेमोक्रेसी का यहाँ कत्ल हुआ, जिसमें हमने कहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को
माना और विंडिकेट किया हमारा स्टैंड कि इट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक और दो फॉर अर्ली इलेक्शन, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एश्योरेंस को माना कि गवर्नमेंट ने माना है कि हम जल्दी ही स्टेट देंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करे कि कब देंगे, और हम चाहते हैं कि असेंबली कॉल से पहले वो हमारी स्टेट जो है वो रेस्टोर हो ताकि यहाँ स्टेट असेंबली के इलेक्शन हों। बाकी जो राइट की बात, जो एस्पिरेशन की बात लोगों की है, वो डेमोक्रेटिकली कांग्रेस पार्टी उसको उभारेगी, उसके लिए स्ट्रगल करेगी। जो मैंने कहा, हमने कहा लैंड और जॉब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फाइट करेंगे।